खार घोड़ा। एक दिन राजा कृष्ण देव राय के दरबार में अरब देश का एक व्यापारी आया। उसके पास एक से बढ़कर एक अरबी घोड़े थे। व्यापारी ने हट्टे कट्टे और तंदुरुस्त अरबी घोड़ों की राजा कृष्ण देव राय के सामने इतनी तारीफ की कि उन्होंने फौरन उन घोड़ों को खरीदने का मन बना लिया। अच्छी कीमत देकर व्यापारी से सारे घोड़े खरीद लिए। व्यापारी खुशी खुशी वापस चला गया। महाराज बहुत खुश थे, लेकिन जब घोड़ों को रखने की बात सामने आई तो समस्या खड़ी हो गई। सारे अस्तबल पहले से ही भरे हुए थे, उनमें नए घोड़ों को रखने का स्थान नहीं था। इस समस्या का निदान राजगुरु ने सुझाया। राजगुरु ने महाराज को परामर्श दिया कि जब तक इन घोड़ों को रखने के लिए नया अस्तबल तैयार न हो जाए, क्यों न एक एक घोड़ा हम मंत्रियों, दरबारियों और प्रजा में बांट दें। वे उन घोड़ों की देखभाल करेंगे और उसके बदले हर महीने उन्हें एक स्वर्ण मुद्रा दी जाएगी। महाराज को राजगुरु की ये सलाह जच गई और उन्होंने वे घोड़े अपने मंत्रियों और दरबारियों में बंटवा दिए। जो घोड़े बचे वे प्रजा में बांट दिए गए। महाराज का आदेश था, इसलिए सब लोग चुपचाप घोड़े लेकर अपने अपने घर चले गए। एक स्वर्ण मुद्रा में उन घोड़ों के चारे का प्रबंध करना और उनकी देखभाल करना बहुत कठिन था, लेकिन राजसी घोड़े थे, इसलिए उनकी देखभाल में कोई कोताही नहीं बरती जा सकती थी। सब अपना पेट काटकर घोड़ों की देखभाल करने लगे। एक घोड़ा तेनाली राम को भी मिला। उसने वह घोड़ा अपने घर ले जाकर एक छोटी सी अंधेरी कुटिया में बांध दिया। उस कुटिया में छोटी सी खिड़की बनी हुई थी। उस खिड़की से तेनालीराम रोज शाम थोड़ी सी सूखी घास घोड़े को खिलाया करता था। घोड़ा दिन भर भूखा रहता था, इसलिए जैसे ही शाम को खिड़की से सूखी घास देखता, लपक कर उसे खा जाता। दिन बीतते गए और वह दिन भी आया जब अरबी घोड़ों का अस्तबल बनकर तैयार हो गया। जिन मंत्रियों, दरबारियों और प्रजा के पास अरबी घोड़े थे, उन्होंने चैन की सांस ली। इतने दिनों में घोड़ों की देखभाल के कारण सबके घर का बजट बिगड़ गया था, कईयों पर कर्ज चढ़ गया था। वे घोड़े लेकर राजमहल पहुंचे। इधर तेनाली राम जब राजमहल पहुंचा तो उसका घोड़ा नदारद था। महाराज के पूछने पर वह बोला, महाराज क्या बताऊं, वह घोड़ा बहुत ही ज्यादा खूंखार हो गया है, किसी पर भी हमला कर देता है। मुझ में तो इतना साहस नहीं है उसके अस्तबल में घुस पाऊं, इसलिए मैं उसे नहीं ला पाया।
महाराज कुछ कहते इसके पहले राजगुरु बोल पड़े। महाराज तेनाली राम की बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता, अवश्य घोड़ा सही सलामत नहीं है, इसलिए तेनाली राम बहाना कर रहा है। हमें वहां जाकर वास्तविकता का पता लगाना चाहिए। महाराज ने राजगुरु को कुछ सैनिकों के साथ तेनाली राम के घर जाकर घोड़े को लाने का आदेश दे दिया। राजगुरु सैनिक लेकर तेनाली राम के घर पहुंच गए, साथ में तेनाली राम भी था। तेनाली राम ने उसे वह कुटिया दिखाई जहां घोड़ा बंधा हुआ था। राजगुरु जब कुटिया के पास पहुंचे तो तेनाली राम बोला, राजगुरु जी संभल के, घोड़ा सच में बहुत खूंखार हो गया है, आप पहले खिड़की से उसका मुआयना कर लीजिए। राजगुरु ने भी सोचा कि पहले खिड़की से ही मुआयना कर लेना उचित होगा। वह अपना मुंह खिड़की के पास ले गए। दिन भर से घोड़े ने कुछ खाया नहीं था। तेनाली राम शाम के समय ही उसे सूखी घास दिया करता था, इसलिए जैसे ही राजगुरु खिड़की के पास अपना मुंह लेकर गए, उनकी दाढ़ी को सूखी घास समझकर घोड़े ने मुंह में दबा लिया और खींचने लगा। राजगुरु दर्द से चीख पड़े। देख तेनालीराम बोला, मैंने कहा था ना राजगुरु जी कि घोड़ा बहुत खूंखार हो गया है। राजगुरु क्या कहते, बस दर्द से चीखते रहे और अपनी दाढ़ी छुड़ाने का प्रयास करते रहे, किंतु भूखा घोड़ा भी दाढ़ी छोड़ने को तैयार नहीं था। आखिरकार सैनिकों द्वारा तलवार से दाढ़ी काटकर अलग कर दी गई। तब राजगुरु की जान छूटी। उसके बाद राजगुरु ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे घोड़े को पकड़कर राजमहल ले चलें। घोड़े को राजमहल में महाराज के सामने ले जाया गया। राजा ने जब घोड़े को देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। इतने महीने ढंग से कुछ खाने पीने को न दिए जाने के कारण उसका शरीर सूख गया था और वह एकदम मरियल दिख रहा था। अपने घोड़े की ये हालत देख महाराज बहुत क्रोधित हुए और तेनाली राम से बोले, ये क्या हालत कर दी तुमने घोड़े की? तेनाली राम बोला, महाराज एक स्वर्ण मुद्रा में मैं इसे जितना दाना पानी दे सकता था उतना मैंने दिया, बाकी लोग आपके डर से अपना पेट काट काट कर घोड़े की देखभाल करते रहे। वह आगे कहता गया, महाराज राज्य के राजा का धर्म प्रजा की देखभाल करना है, ना कि उन पर अतिरिक्त बोझ डालना। इन घोड़ों की देखभाल करते करते और उन्हें बलवान व तंदुरुस्त बनाए रखने में आपकी प्रजा दुर्बल हो गई है, आप ही बताएं महाराज क्या ये उचित है? महाराज को तेनालीराम की बात समझ में आ गई और उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया। अपनी इस भूल के लिए उन्होंने सबसे क्षमा मांगी और उन्हें इन महीनों में हुए खर्चों की भरपाई भी दी। इस कहानी से सीख मिलती है, अच्छी तरह सोच विचार कर ही किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं।